भारत रूस से फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, लेकिन अरबों डॉलर के इस डील से पहले भारत ने रूस के सामने शर्त रख दी है। इंडिया ने कहा कि वो जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के काम को तभी शुरू करेगा जब रूस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह ट्रांसफर पर सहमति जताए। भारत का कहना है कि वह सुखोई एयरक्राफ्ट वाली गलती नहीं दोहराएगा जिसमें पूरी तरह से रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे हमें स्वदेशी एयरक्राफ्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत के लिए नए लड़ाकू विमान की डील बेहद जरूरी है। चौथे जनरेशन के सुखोई विमान को भारत ने रूस सरकार से 55,717 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदे थे। रूस से खरीदे गए 272 सुखोई विमान में 240 विमान के असेंबलिंग का काम सरकारी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने किया, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी न मिलने के कारण HAL पूरी तरह से विदेशी पुर्जों पर निर्भर रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि HAL द्वारा असेंबल किए गए सुखोई विमान पर लागत 450 करोड़ रुपए आती है और रूस में बने सुखोई को भारत 350 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। पांचवी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट तैयार करने को लेकर भारत ने अपनी दो बड़ी मांगे रखी हैं। एक, टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से ट्रांसफर ताकि भविष्य में भारत अपने स्तर पर इन्हें अपग्रेड कर सके। दूसरा, पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने में मेक इन इंडिया में रूस मदद करे। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।